हेलो बच्चों मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट आज की जो क्लास है उसमें हम सॉल्व करेंगे कक्षा की की जो गणित है उसका कार्य पत्रक अड़सठ तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं हम पहला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी विद्यार्थियों को दस सेंटीमीटर लंबे एवं सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से छह सेंटीमीटर लंबा एवं चार सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, अब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा सबसे पहला हमें देखना है गत्ते का क्षेत्रफल अब गत्ते का क्षेत्रफल कितना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है आठ इधर से कितना है आठ आ रहा है इधर से काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कितना है दस तो आठ और दस तो आठ ढाई अस्सी कितने हो गए अस्सी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस है तो अस गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर काटे गए टुकड़ा काटा गया टुकड़ा ये रहा हमारा यहां से इसका क्षेत्रफल एक दो तीन चार पांच से कितना है है, एक दो तीन चार इधर से कितना है चार है तो छप के चोईस कितना है चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर लीजिए दस में से चार गया छह शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना हमें अब शेष भाग का दस में से छह गया छ और सात में से दो गया पांच सात में से दो गया कितना पांच सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट देखते हम हैं। पहला हम हैं काट काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस है इधर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ ही है तो अस्सी आएगा इसका भी अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसने बोला काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है अब काटा गया टुकड़ा हमारा यहां पे ही रहा एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छो तो छके चोईस कितना हुआ चोईस सेंटीमीटर स्क्वायर और शेष भाग का क्षेत्रफल क्योंकि सेम था तो छप्पन सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट टीना का गत्ते का क्षेत्रफल काउंट कर लेते हैं पहले तो तीन तीन छह और दो आठ तीन तीन छो और नौ और एक दस तो अस्सी सेंटीमीटर जो होगा आठ इंटू दस करेंगे तो अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर काटे गए क्षेत्रफल तो काटा गया ये रहा हमारा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ चाचा चार दो आठ चात्रिका बारह चारों का सोलह चारों पांच बीस चार चौ चोईस इसका भी कितना है चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है शेष भाग का भी कितना बचेगा छप्पन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसके अंदर भी आपका होगा गत्ते का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एंड काटे गए का कितना होगा चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर और शेष भाग का क्षेत्रफल भी कितना है छप्पन सेंटीमीटर स्क्वायर निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे कि निष्कर्ष यह है कि सभी ने सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा कट टुकड़ा काटा सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा नेक्स्ट सेकंड एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? समान है वर्ग की भुजा बीस मीटर है यदि आयत की की भुजा की जो लंबाई है वो है चालीस सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी सबसे पहला आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है वर्ग का सबसे पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है आयत का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई तो मतलब लंबाई हमारे पास है चालीस इंटू चौड़ाई हमको नहीं पता वर्ग का तो चौड़ाई तो वर हमारे रखेंगे हम लेंगे नीचे चालीस जीरो से जीरो कट हो जाएगा और दो दूनी चार इसका आएगा चालीस चालीस बटा चार तो हमारे पास आ जाएगा दस सेंटीमीटर दस मीटर कितना आया इसका दस मीटर बीस को दो से गुना किया चालीस नीचे हमारा चार था चार का हमने भाग दिया कितना आ गया दस मीटर तो जो हमारे पास जो आयत की चौड़ाई आई वो कितनी आ गई आयत की चौड़ाई कितनी हो गई दस मीटर ठीक है नेक्स्ट रेणु के पास दस सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर की एक कार्डशीट है दस दस की उसके पास क्या कार्डशीट है इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह पांच सेंटीमीटर व पांच सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है मतलब पांच पांच की वो काटना चाहती है तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई काटशीट का क्षेत्रफल कितना होगा तो सबसे पहले तो हम टोटल जो काट शीट है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे दस इंटू दस माइनस करेंगे इसमें से पांच इंटू क्योंकि काटने वाले का पांच इंटू है और इसका कितना था दस इंटू दस है शेष क्षेत्रफल शेष बचा हमारे पास दस धाए सो पाचा में पच्चीस दस में से पच्चीस हम कट करेंगे तो कितना बचेगा पिचहत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बच जाएगा पिचहत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास उसमें क्षेत्रफल बच जाएगा कार्डशीट का